नमस्कार मित्रों, हम सभी प्लम्बर भाइयों का पाला पूरे दिन पानी पाइप पाना प्लम्बिंग से जुड़ा रहता है। आज उसी प्रकार एक और पानी प्यूरिफायर का नाम भी प्लम्बिंग से जुड़ा है। वीडियो में जैसा कि दिखाई दे रहा है, एक कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर का इंस्टॉलेशन, वाटर टैंक फिटिंग और पाइप प्लम्बिंग वर्क। पानी अमृत जैसा नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। याद रखिए दोस्तों, यह आपका ही चैनल है, आपको नया कुछ प्लम्बिंग में सीखने को मिले इसलिए हम सक्रिय रहते हैं। और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, हम आपके लिए एक से बढ़ के एक नई वीडियो लाते रहेंगे ताकि आप कुछ सीखें और तरक्की करें, इसलिए हम प्रयासरत रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह एक कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर प्यूरिवन कंपनी का वाटर प्यूरिफायर है। एक बड़ा स्कूल CBSE बोर्ड का है जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, और बच्चों की साइज को देखते हुए प्लम्बिंग नल का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है ताकि सुविधापूर्वक पानी ले सके। वीडियो में हम लोग प्यूरिफायर को बिठा कर ले लिया है, यह हाइट को देखते हुए ऊपर हैंग किया गया है ताकि दिक्कत का सामना करना न पड़े, और इलेक्ट्रिक के बोर्ड वायर को भी ऊपर के साइड असेंबलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्यूरिफायर के 6 mm की पाइप, इनलेट आउटलेट वेस्ट वाटर पाइप को शटर मारकर व्यवस्थित कर रहे हैं। इसके बाद प्यूरिफायर से फिल्टर किया गया पानी को स्टोरेज करने के लिए पानी टाकी भी बिठा कर ले लिया गया है, और टैंक में 200 लीटर पानी हमेशा स्टोर रहेगा। और पानी की टाकी से आउटलेट पाइप की फिटिंग डिस्टेंस देखकर बिप काक बिठाया गया है। आइए टाकी आउटलेट की प्लम्बिंग दिखाते हैं। 1 inch का आउटलेट की पाइप लगाई गई है जिसमें बाल वाल यूनियन और एयर पाइप जो ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है, नीचे 1 inch की पाइप को रिड्यूस करके 1.25 में बदल लिया गया है, और सभी बीपकाक लगा लिए गए हैं। केवल एक प्लम्बिंग का वर्क शेष बाकी रह गया है, वेस्ट वाटर ट्रे जो बीपकाक से 1 foot नीचे डिस्टेंस पर लगेगा। ट्रे इस समय उपलब्ध नहीं है, वह भी वर्क जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।